बीच एक और बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। आपको बता दें कि विभाग बदलने से नाराज हुए मंत्री नागर सिंह चौहान मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं चौहान। तो रामनिवास रावत को वन एवं पर्यावरण मंत्री बनाए जाने से नाराज हैं। तो विधायक रहते हुए जनता की सेवा करूंगा चौहान का कहना है। तो साथ ही पत्नी अनीता सिंह चौहान भी सांसद पद छोड़ सकती है। तो नागर सिंह चौहान के पास था वन एवं पर्यावरण विभाग और साथ ही आपको बता दें कि अलीराजपुर क्षेत्र के विधायक हैं चौहान। तो मंत्री पद से इस्तीफा देंगे चौहान। उन्होंने खुद कहा है कि मंत्री पद से इस्तीफा दूंगा और विभाग बदलने से नाराज होने पर उनका यह बयान सामने आया है। तो नागर सिंह चौहान का बयान सामने आया, उनका कहना है कि मंत्री पद से इस्तीफा दूंगा। और आपको बता दें कि रामनिवास रावत को वन एवं पर्यावरण मंत्री बनाए जाने से नाराज हैं। और इसके पहले ये खबरें थी कि रामनिवास रावत बेहद नाराज हैं, उनको मंत्री पद तो मिला लेकिन कोई विभाग नहीं मिला। लेकिन जब उनको विभाग मिल गया तो अब नागर सिंह चौहान इसके ऊपर नाराज हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल देना चाहिए, भारतीय कांग्रेस पार्टी कर देना चाहिए। जब कांग्रेस पार्टी के लोग अगर जाएंगे और लगातार उनको मंत्री पद पे नवाजा जाएगा तो कहीं ना कहीं इन घटनाएं होने की संभावनाएं तो थी। और जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी आरोप कांग्रेस पे लगाती थी कि कांग्रेस में गुटबाजी है, अनुशासन नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी में खुल के वो सामने आने लगा है। अब मोहन यादव आज गए, कल गए, परसों गए, ये बात तो आम है क्योंकि सबको अपनी जेबों से भरने का मतलब रह गया है। प्रदेश हित की बात कोई नहीं कर रहा है, सबको अपने हित की चिंता है और कहीं ना कहीं सभी लोग अपने हित साधने में लगे हुए हैं। तो रामनिवास रावत से जब इस पर सवाल किया गया तो रामनिवास रावत बचते हुए नजर आए, क्या कुछ उन्होंने कहा सुनिए। तो रामनिवास रावत ने कहा कि यह फैसला है उन्हीं से पूछिए, तो बचते हुए नजर आए हैं। तो आपको बता दें कि नागर सिंह चौहान विभाग बदलने से नाराज हो गए और मंत्री पद से इस्तीफा दूंगा, ऐसा नागर सिंह चौहान का कहना है। तो पहले रामनिवास रावत जो है मंत्री बनते हैं, फिर उनको विभाग नहीं दिया जाता है तो वो नाराज हो जाते हैं, लेकिन अब उनको चूंकि विभाग मिल गया है तो अब नागर सिंह चौहान नाराज हो गए हैं। तो आपको बता दें कि यह बहुत बड़ी खबर है क्योंकि मंत्री नागर सिंह चौहान का यह बयान है। उन्होंने कहा है कि मैं मंत्री पद से इस्तीफा दूंगा, तो विधायक रहते हुए जनता की सेवा करूंगा और पत्नी अनीता सिंह चौहान भी सांसद पद छोड़ सकती हैं। तो ये दो बड़ी अपडेट है जो विस्तार न्यूज आपको बता रहा है कि उनकी पत्नी अनीता सिंह चौहान भी सांसद पद छोड़ सकती हैं। तो मंत्री पद से इस्तीफा दूंगा नागर सिंह चौहान का कहना है। और नागर सिंह चौहान के पास था आपको बता दें कि वन एवं पर्यावरण विभाग और अलीराजपुर क्षेत्र के विधायक हैं चौहान। तो अब उनका कहना है कि विधायक रहते हुए सेवा करूंगा जनता की। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विस्तार न्यूज के एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। साथ ही स्टेट ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, दोनों का रुख करते हैं। सबसे पहले ब्रजेश जी आपका रुख करेंगे। ब्रजेश जी, क्या कुछ हलचल है इस वक्त? अब देखिए, हलचल तो गजब है और हलचल कल दोपहर से ही शुरू हो गई थी। जैसे ही जब विभाग बदलने की खबर आई थी उसी वक्त से नागर सिंह चौहान नाराज थे। उन्होंने शाम को ही बीडी शर्मा से बात की, रात में बीडी शर्मा से बात की और आलम यह रहा कि उनकी पत्नी जो कि सांसद हैं, उनको जो दिल्ली जाना था आज के पार्लियामेंट सेशन के लिए, उन्होंने उनको जाने नहीं दिया। वो अभी अलीराजपुर में ही है, वो पार्लियामेंट सेशन अटेंड करने नहीं गई हैं। तो कुल मिला के बेहद नाराजगी है। नाराजगी इस बात को लेकर है कि उनको बिना भरोसे में लिए उनका विभाग बदल दिया गया है। दूसरा इस बात की और नाराजगी है कि वो विभाग जो कांग्रेस से रामनिवास रावत आए हैं उनको दे दिया गया है। अब उनकी जब उन्होंने विस्तार न्यूज से लंबी बात की है फोन पे, तो उन्होंने बताया है कि नाराजगी इस बात को लेकर भी ज्यादा है कि जिस तरीके से कांग्रेस के लोग आ रहे हैं पार्टी में तो बीजेपी का आम कार्यकर्ता नाराज है। ये बात किसी जिम्मेदार आदमी ने पहली बार विस्तार न्यूज से या सबके सामने कही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात की नहीं है, अन्य राज्यों में भी यही देखा जा रहा है, चूंकि कांग्रेस से कई नेता, कई बड़े नेता बीजेपी में आए हैं, तो इससे सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं अन्य राज्यों में भी नाराजगी है बीजेपी के अंदर।
निश्चित ही, मगर अब उन्होंने साफ कहा है, विस्तार न्यूज से फोन पे उन्होंने कहा है कि अब मैं आम कार्यकर्ता बनके, आम विधायक बनके जनता की सेवा करूंगा, मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए, ना मैंने सांसद का टिकट मांगा था, मेरी पत्नी को मुझे बुला के मेरी पत्नी को सांसद लड़वाया गया, और मैंने बहुत मेहनत करके जो झाबुआ सीट जो हमेशा परंपरागत कांग्रेस की सीट मानी जाती थी उसको जिता के दिया, उस सबके बावजूद जिस तरीके से मेरा विभाग बदला गया है उससे बेहद नाराज हूं। जो बातचीत आपने की है नागर सिंह चौहान से वो किसी भी चैनल के पास नहीं है, किसी भी चैनल ने नहीं सुनाई है, वो विस्तार न्यूज की सिर्फ एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है। तो चाहेंगे कि एक बार फिर से दर्शकों को वो सुना दें कि क्या कुछ आपने उनसे बातचीत की है और उन्होंने क्या कुछ कहा है। अगर सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे से पद लेते हैं और कांग्रेस से आए हुए व्यक्ति को आप नवाज रहे हो, सबसे बड़ा दुख मुझे इस बात का है। तो क्या मैं वो अंता जी भी नाराज होंगी सबसे, तो उनको भी देगी। अच्छा उन्होंने बोल दिया है बात, तो दिल्ली गई है कि नहीं? मुझे पता लगा था वो दिल्ली भी नहीं गई कल। नहीं दिल्ली नहीं गई, रस्ते से लौट के वापस आए। तो विस्तार न्यूज के दर्शक भी सुने होंगे कि क्या कुछ कहा है नागर सिंह चौहान ने, और ये जो बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस से आए हुए व्यक्तियों को बीजेपी नवाज रही है, इससे ये बहुत दुखी हैं। क्या समझा जाए ब्रजेश जी इससे? निश्चित ही आमतौर पर हम लोग जो बीजेपी की राजनीति को लंबे समय से देख रहे हैं, उन्होंने ऐसा सिनेरियो कभी नहीं देखा कि एक मंत्री खुलेआम कह रहा है कि मेरा जो विभाग बदला गया मैं इससे नाराज हूँ, मैं इससे इस्तीफा दूंगा, मैं भी इस्तीफा दूंगा, मेरी पत्नी भी इस्तीफा देंगी। वो मंत्री हैं और उनकी पत्नी सांसद हैं। दरअसल जब विस्तार न्यूज उनसे बात की तो उन्होंने एक बात और कही जो बहुत गहरी है। उनका कहना था कि मुझे वन विभाग दिया गया था तो मैंने सोचा था कि अपनी जो आदिवासी समाज है उस विभाग का उस समाज का कल्याण वन विभाग की मदद से करूंगा। अब उनके पास जो विभाग है वो अनुसूचित जाति कल्याण है, जबकि वो अनुसूचित जनजाति के को बिलोंग करते हैं, मगर उनको जो विभाग अब बचा है उनके पास वो अनुसूचित जाति। तो उनको कहा, उनका कहना है कि ये विभाग मेरे किसी काम का नहीं है, वन विभाग के चलते मैं सोचा था कि जनता की सेवा करूंगा, अपने इलाके के लोगों की सेवा करूंगा, मगर अब मेरे पास सेवा करने का मौका छूट गया है, तो अब मैं जो विभाग है उससे भी इस्तीफा दूंगा, मंत्री पद से इस्तीफा दूंगा, मेरी पत्नी है जो सांसद बनी है वो भी इस्तीफा दूंगा। और मैं आपको बता दूं इस वक्त वो अलीराजपुर में अपने कार्यकर्ताओं के साथ हैं, वो भी हैं, उनकी पत्नी भी हैं, उन्होंने अपने फोन बंद कर लिए हैं, किसी से कोई बात नहीं कर रहे हैं, जो सारी मान मनोबल वाली प्रोसेस थी वो भी उन्होंने बंद कर दी है, और होप उम्मीद की जानी चाहिए कि और शाम तक वो कोई ना कोई बड़ा कदम उठाएंगे। जी ब्रजेश जी, तो श्याम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। श्याम जी, ये जो पूरी हलचल है इसके बाद क्या बीजेपी से कुछ हलचल निकल कर सामने आ रही है? आप बीजेपी से ज्यादा आपका तालमेल है, आप बीजेपी बीट देखते हैं, तो क्या कुछ अंदर से अंदरूनी खबर सामने आई है? देखिए वाकई बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ, और उसके बाद में जैसे ही रामनिवास रावत को ये वन विभाग दिया गया था उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि नागर सिंह चौहान को ये मान्य नहीं होगा, और वही हुआ भी। उनकी नाराजगी के दो बड़े डायमेंशन हैं जिनको हमको समझना पड़ेगा। एक तो ये कि जब उनसे विभाग वापस लिया गया तो उनको विश्वास में नहीं लिया गया, न तो मुख्यमंत्री की ओर से, न ही मुख्यमंत्री के कहने पर किसी अन्य मंत्री के या प्रदेश अध्यक्ष की ओर से। ये उनकी नाराजगी है कि मुझे पूछा ही नहीं गया और मुझसे ले लिया गया। दूसरी बड़ी बात यह कि एक बीजेपी महसूस करती है कि उसके पास आदिवासी चेहरे उतने बड़े छत्रप नहीं है, तो ये एक तरह के बड़े छत्रप है अपने क्षेत्र में। ऐसे में भाजपा के अंदर खाने, उनको मनाने, उनको जो है रूठने से जो है रोकने, इसकी कवायद शुरू हो चुकी है, उनसे बातचीत शुरू हो चुकी है, अंदर ही अंदर ये चल रहा है। जी ठीक है श्याम जी, तो आप दोनों का जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया।